मॉर्निंग का सीन है और ये है आपका मगर दार्जिलिंग जाने वाला रास्ता और इस तरह से जाएंगे तो चले जाएगा विश्वनाथ जी। कितना लोग आ रहे हैं एकदम सुबह सुबह ही दर्शन करने के लिए। दुकानें भी मतलब कि ज़्यादा नहीं मतलब कि धीरे धीरे खुल रही हैं नाश्ता वास्ता की दुकानें क्योंकि आज सैटरडे है। सारी दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं। ये है बुलनाला का HDFC बैंक आर्य समाज मंदिर। ये कोई मंदिर है क्या? कोई मंदिर हो नाइस वन। इधर भी मतलब भीड़ तो है। एक चीज़ है यहाँ पे मतलब कि जब भी आप आओगे अक्सर आपको भीड़ देखी जाएगी। लोग जाते रहेंगे दर्शन करने के लिए टहलने के लिए मार्केटिंग शॉपिंग क्योंकि सब कुछ इधर ही है। इधर आके चले जाएंगे राइट साइड में इस तरफ तो आपको दिख जाएगा विशेश्वरगंज। यहाँ पे बहुत बड़ी मंडी लगती है मसालों की और घरेलू सामग्री ये सब की सारी मार्केटिंग बहुत बड़ी लगती है। इधर भी वही है मालवी मार्केट। दुकान है अपना ये लोग दुकान खोल रहे हैं अभी। देखना ये लोग इडली सांभर ये डोसा ये सब लगाएंगे थोड़ी देर में। और ये आपकी पार्किंग वर्ल्ड की बेस्ट पार्किंग है ये मतलब अच्छी पार्किंग है बड़ी में काफ़ी बड़े में ही पार्किंग। आगे चलते जाएंगे तो दुकान में फल फल लड़ने लगते हैं। नहीं बात ये थी ना कि लोगों की बात लग जाती है अगर फालतू किसी को बोलता तो लोग कोई सुनता नहीं आजकल। दैट्स फैक्ट आप किसी गलत की बोल सकते हो। ये है मैदागिंग का चौरा नहीं पीछे देखेंगे तो वो है क्या नाम है त्रिशूल। और सामने है अपना डिग्री कॉलेज और इस तरफ कैंट की तरफ चले जाएंगे और उधर विशेश्वरगंज। इधर ही देखते हैं मुझे कुछ सामान लेना था अगर जाए तो सही है। इधर काफ़ी भीड़ लगी रहती है अक्सर जब भी आएंगे तो कैंट जाने वालों की अक्सर भीड़ लगी रहती है। बढ़िया है तो ये है बनारस का एकदम मतलब ये जो एरिया भी जो आपको दिखाया था इससे बिजी एरिया है मतलब हमेशा लोग ना कुछ सामान वामान खरीदने आते। देखिए इधर पेंट वेंट की दुकान है अदर आगे लोहा मंडी लकड़ी मंडी सारी मंडी इधर ही मंडी दूध
फल सब कुछ सारी मंडे मिल जाएंगी। एकदम बढ़िया।